हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये एक ऑडियो मैसेज होने वाला है। अब मैं वीडियोस कई दिनों से शूट नहीं कर पा रहा हूँ ओइंग टू अ टफ शेड्यूल, तो इसके बारे में भी तुमको यार आगे चल के मैं बताऊँगा। बट आज का डेट है 10th of September और 2 दिन बाद तुम्हारा नीट है 12th of September को। तो कुछ बातें हैं मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। अब बेसिकली इस वीडियो में मैं तुमको अपना फेलियर स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ, जो मैंने नीट 2019 का अटेम्प्ट था उसके बारे में, तो उस ताकि तुम एग्ज़ाम हॉल में जाके इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। अब जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा एक टेंडेंसी था कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करता था, तुरंत ही उसको OMR फिल करता था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका OMR फिल कर दिया। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको OMR फिल कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। मैंने 2020 में आके डिस्कवर किया कि हाँ, ये मेथड ठीक नहीं है। एक साथ तुम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल, बायो के 90 क्वेश्चंस एट वन गो तुम सॉल्व कर लो, उसके बाद टाइम लेके 5 मिनट का टाइम लो और सारे OMRs को ध्यान से फिल करो। जब मैं इसको फॉलो करता था कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको OMR फिल किया, तो ऐसा कुछ हुआ था कि मिडिल में अराउंड बायो का क्वेश्चन नंबर 30-35 सा था, तो मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा था, तो तब यार पहले वाले का OMR मैंने फिल कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इसके जो बाद वाला क्वेश्चन था उसका जब मैंने फिलअप किया, ये एक्चुअली प्रीवियस वाला फिलअप किया। तो ऐसे करते करते मेरे अराउंड 4 MCQs मिसप्लेस हो गए। 5 नंबर MCQ जब आया, मैंने एक बार नंबर को चेक किया, तब देखा यार 1 नंबर कम है। तो उस टाइम पे यार काफ़ी एक डीमोटिवेशन सा फील आया था। तो और उस टाइम पे यार थोड़ा मैं पजल्ड हो गया था। अब देखो यार, ऐसा तो यार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा अगर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से है तो ये नहीं होना चाहिए, पर फिर भी टेंशन में तो हो जाता है। तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो तुम क्या करना है यार, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम कंफर्टेबली रीस्टार्ट करना है। 4 क्वेश्चन अगर तुम्हारे ऐसे गलत हो गए तो उसे यार मान के चलो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करने वाला, अगर तुम बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लो, ठीक है। सो क्या करना है, 1 मिनट का एकदम आंखें बंद करके वहाँ पे बैठना है। कुछ भी सोचना नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम यार बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम पैनिक करोगे तुम्हारा पूरा एग्ज़ाम स्पॉइल हो जाएगा। और अगर एक बार एग्ज़ाम स्पॉइल हो गया ना, 1 साल तुमको फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना है, 1 मिनट का टाइम लो, एकदम रेस्ट, एकदम आंखें बंद करो, कॉन्सेंट्रेट करो, बस उसके बाद फिर से फ्लो में चालू हो जाओ, सब कुछ ठीक रहेगा। और एक चीज़ जो मेरा गलत हो गया था एग्ज़ाम हॉल में, कि मैं बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा था सॉल्व क्वेश्चन को। हाँ, मुझे लगता था कि टाइम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने जो क्वेश्चन थे ध्यान से उसको नहीं पढ़ रहा था, जस्ट टिक लगा के जा रहा था। बट क्वेश्चन को अगर मैं डीपली पढ़ता तो कई सारे मैं सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता था। तो इस बार जो नीट देने वाला है उनको तो इस बार जो नीट देने वाला है उनके लिए एक सजेशन की यार, टाइम बहुत सारा है, टाइम तुमको मिलेगा, क्वेश्चंस को यार ध्यान से पढ़ो। हार्डली तुमको कितना 15 सेकंड्स एक्स्ट्रा लगेगा, थोड़ा एक बार इंपॉर्टेंट जगह उसको थोड़ा यार इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है क्वेश्चन उन पर फोकस करने का। क्या करना है, पहले जब तुम कोई क्वेश्चन देखोगे जो तुम्हारा पेन प्रोवाइडेड होगा उसको यार यूज़ करना है क्वेश्चन रीडिंग के टाइम। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको यार अंडरलाइन कर लेना है पेन से, ताकि तुम्हारा जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, डायरेक्ट उस पर पड़े और उसके थ्रू तुम्हारा आंसर जल्दी निकल जाए। इसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम मैं फेस करता था कि फिजिक्स में जब मैं पहले ऑप्शन देख लेता था तब उस क्वेश्चन को एट द एंड ऑफ द डे मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। क्योंकि यार देखो, जब तुम एक बार ऑप्शन देख लेते हो तो तुम्हारा माइंड एक बैक कैलकुलेशन के स्टेज में चला जाता है। तुम सोचते हो कि हाँ, इसको यार ऐसे लगाऊंगा तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले तो तुम्हें ऑप्शन देखना ही नहीं है, तुमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन से क्लू नहीं मिलता है फिर तुम ऑप्शन पर जाओगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। और यार मान के चलो नीट एग्ज़ाम का अभी जो लेवल जा रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही होंगे, तो फार्मूला पे काफ़ी अच्छा ग्रिप तुम्हारा होना चाहिए। जो फार्मूला शीट है उसको डे टू डे रिवाइज करते रहो। सो फार्मूला बैठाओ, अगर हो जाता है तो कर लो उसको सॉल्व, अच्छे से ध्यान से सॉल्व करो, फिर टिक मार के निकलो। पहले से ऑप्शन देख के यार हड़बड़ी नहीं करना है, इससे काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक होता है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्रॉपर टाइम देना है। अगर तुम यार इन मिस्टेक्स को कमिट नहीं करोगे तो तुम्हारा शायद इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। सो बस यार आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी। गुड बाय।